सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना लातेहार में दम तोड़ती नजर आ रही है। लातेहार के होलंग पंचायत के हर घर में नल तो लगाया गया, लेकिन ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी में अपने प्यास को बुझाने के लिए 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर ये लातेहार के होलंग पंचायत के ग्रामीण हैं। हालांकि गांव में नल जल योजना के तहत टंकी बनाई गई है, लेकिन वह भी पूरी तरह से बंद है। पानी हमें 2-3 कोस से लाना है, अढ़ाई कोस पड़िए जाए, कभी चल जाइए ढेर दूर, कभी यहाँ जाइए, 2-3 जगह से लाना है पानी, जहाँ पाओ ये नजीक कहाँ से लाना है सुविधा। टंकी तो फालतू कोड़ाइल है, कोई काम के नखे टंकी है, नाम के है टंकी कोड़ाइल की, घर में पानी घुसा दे रही, कोई काम के ना है। पियासत आदमी तरस के रहे थे रात आर दिन, जब जब चंगा छुआ छोटे छोटे तो का कुन जीहन मरल है, घर है दूर ने अपन रहते पियासत छसद। यहाँ जन योजना जो गाड़ा है, जो पहले से कुआं चल रहा था हम लोग का, उससे हम तो ठीक थे, लेकिन जो जल योजना गाड़ा ने साथ साथ कुआं भी हम लोग का चल गया, सूखा दरार फट गया है। और हम लोग का जो खेती सिंचाई करते थे, तनी मनी करते खाते थे, वो भी चल गया बाढ़ में। आ पानी है 2 किलोमीटर के दूरी में, और नदी ढोला जो बांध देते हम लोग का पानी, इधर नमी रहता तो कुआं भी नहीं सोखता। अरे जो हम लोग 2 किलोमीटर से आते हैं पानी लेने, मजदूरी आदमी करते हैं, काम धंधा करने वाला है, अरे हम गाय गरु सब प्यासे मर रहा है, हम लोग पिए कि गाय गरु पिलाए कि बाल बच्चा के पिलाए। इन दिनों लातेहार स्थित होलंग पंचायत के पाहन टोला के ग्रामीणों के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण नल जल योजना को पूरी तरह से खत्म बता रहे हैं। पानी लाने के लिए उन्हें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोग कुएं के गंदे पानी से प्यास बुझाने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि नल जल योजना के तहत टंकी लगने के बाद यहां के कुएं और तालाब सूख गए हैं। गांव में कई जगह बोरिंग किए जाने से जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे इस योजना से लोगों को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन बिचौलियों को जरूर हुआ है। वहीं उपायुक्त गरिमा सिंह ने इस समस्या के समाधान को लेकर प्राकृतिक जल संरक्षण पर आगे काम किए जाने की बात कही। अभी स्पेशली जो हमारा समर सीजन स्टार्ट हुआ है, उसमें जो पानी की समस्या है वो और बढ़कर सामने आ रही है। हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, उसने ऑलरेडी अपना जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो न्यूज़पेपर में प्रकाशित करे हैं, जहाँ जहाँ से सूचनाएं आ रही हैं कि जल मीनार खराब है या चापाकल खराब है, वहाँ हम लोग उसको जितना जल्दी से जल्दी ठीक कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। स्पेशली आपने जिस विलेज के बारे में बताया है, इसके बारे में भी हमने सूचना दे दी है, वो भी जल्द से जल्द उसका भी रिपेयरिंग हो जाएगा। हर घर नल जल योजना की घोषणा से लोगों में शुद्ध पेयजल मिलने की आस जगी थी, लेकिन यह महत्वाकांक्षी योजना अधिकारियों की उदासीनता की भेंट चढ़ जा रही है। गर्मी में जलस्तर नीचे खिसक जाने की वजह से शुद्ध पेयजल के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। समाचार प्लस के लिए लातेहार से आशीष वैद्य की रिपोर्ट।